हम अपने बच्चों को प्रोटीन कैसे खिलाएं हमें समझ नहीं आता है। कभी कभी बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसके लिए हम चलिए लेके आए हैं एक अच्छी सी रेसिपी सैंडविच की। तो उसको हम कैसे बनाना है, क्या क्या ऐड करना है, तो देख लेते हैं। तो मेयोनीज ले लिया है, चीज़ ले ली है, 2 बड़े ब्रेड ले लिए हैं, उबले हुए अंडे, प्याज और गाजर ले लिया कद्दूकस करके। आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका, पूनम कुकिंग फूड, माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी नए हैं वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो शेयर कर दें। तो चलिए कैसे बनाना है तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने देखिए उबले अंडे को हमने कद्दूकस कर लिया है, उसमें प्याज और गाजर को ऐड कर लिया है, 2 चम्मच हमने मेयोनीज ले लिया, स्वाद के अनुसार नमक ले लिया। आप चाहो तो इसमें धनिया पत्ते, हर्ब्स वगैरह ऐड कर सकते हो, चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। तो बच्चे हमारे चिली खाते नहीं इसलिए हम स्किप कर दिए हैं। तो देखिए हम इन सभी को मिलाकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे और साइड में रख देंगे। और ब्रेड को ले लिया है, ब्रेड को एक ब्रेड को रख लिया है, और एक अंडे को बीच से कट कर लेंगे और ब्रेड के ऊपर इसे रख देंगे। तो ये देखिए हमने ब्रेड के ऊपर रख दिया है। और जो हमने बैटर बनाया था अंडे और प्याज गाजर का, तो मेयोनीज का, तो उसको हम इस पर स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर। आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो, जैसे कि बीन्स हो गए हैं, कैप्सिकम हो गए हैं, तो मैंने ऐड नहीं किया है। चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हो, चिली डाल सकते हो। अगर बड़ों के लिए बना रहे तो चिली आप ऐड कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर ये सैंडविच बन के रेडी होगी। तो चलिए हमने ब्रेड पे स्प्रेड कर लिया अच्छी तरह से अंडे का बैटर, और इसके ऊपर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो चाव से वो खाते हैं चीज़ वगैरह। तो हमने अमूल का ही चीज़ ले रखा है, तो उसे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहो तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो, कद्दूकस करके भी इस पे इसके ऊपर भी डाल सकते हो। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए हमने चॉप करके ही इसमें ऐड कर दिया है, इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और बटर से हम इसे, गर्मी है तो बटर भी मेल्ट हो चुकी है, हो जा रही है। और ये देखिए हमने बटर से ऊपर से इसे लगा लिया है, और तावे पे इसके दोनों साइड से हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो चलिए तावों को गर्म कर लेते हैं, और ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। और काफ़ी डिलीशियस है, और अगर आपके बच्चे अंडे ऐसे नहीं खाते तो आप ऐसे भी खिला सकते हो, तो बच्चे बहुत ही प्यार से खा लेंगे और मांग मांग के खाएंगे। तो ये देखिए कितना दिखने में, जितना खाने में जितना अच्छा है उतना ही दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो हम इसे बीच से कट कर लेते हैं 2 पीसेस में। तो ये देखिए बीच में हमारा अंडा है, और लुक वाइज की कितनी अच्छी लग रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।